हमेशा याद रखिएगा, दया मांगने से नहीं मिलती है। दया गुरु की दया गुरु आदेशित कर्म से मिलती है। गुरु जो बोले हैं उसको करने से ही गुरु की दया मिलती है। लेकिन शिव को गुरु मानने के लिए भी उनकी दया चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने कहा उनसे दया मांगिए, उससे ज्यादा दया की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। जब शिव को गुरु आपने मान लिया तब गुरु आदेशित कर्म करिए, लोगों को समझाइए, लोगों को शिव से बनाइए। और फिर कहा कि कभी कभार परिणामों कर लीजिए, क्या कि प्रणाम हम लोग करते और से किसी को नहीं। आज तक महादेव को प्रणाम कोई आदमी किया है इसमें से हमको बताएगा? हम नहीं किया है, बात साफ। सोचिए तो हम लोग आज तक महादेव को प्रणाम किए? हम कह रहे हैं हम नहीं किया। अरे हम लोग सामान को प्रणाम करते हैं, शिव को कहां करते हैं? बेटा चाहिए, सरकार गोड़ लगते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, सावन आया कामर लेके जाते हैं। तो बेटा के लिए ना प्रणाम हो रहा है, रोग से हटने के लिए ना प्रणाम हो रहा है, इज्जत और पैसा के लिए ना प्रणाम हो रहा है, ये महादेव को प्रणाम कहाँ हो रहा है भाई साहब? किसी को प्रणाम कर रहे हैं कि 5,000 रुपया इसे लेना है, दो आदमिया को प्रणाम कर रहे हैं कि 5,000 रुपया को प्रणाम कर रहे हैं भाई साहब? प्रणाम प्रणाम है, उसमें लेने जैसा कहाँ कुछ है भाई साहब? क्या ऐसा प्रणाम आपने किया कभी शिव को कि सरकार प्रणाम करते हैं आपको? और महादेव अगर पूछे कि रे साला तुम काहे हमको प्रणाम करता है, तो बोलिए कि सरकार प्रणाम करने का मौन किया इसीलिए प्रणाम करते हैं। तब ये हुआ प्रणाम। और ऐसे प्रणाम का वापसी होता है आशीर्वाद से, जान लीजिएगा। सामान से इसकी वापसी नहीं होती है। ऐसा प्रणाम जो मात्र प्रणाम के लिए किया गया हो, ऐसा नमन जो मात्र मन को उसके सामने झुकाने के लिए किया गया हो, इस प्रणाम और इस नमन का नतीजा मालूम है? इसका एक ही नतीजा होता है, केवल एक नतीजा होता है। प्रणाम जिसको किया गया है वो आपको आशीर्वाद देगा ही देगा। ऐसा प्रणाम हम लोग कहाँ करें? ऐसा प्रणाम हम लोगों से होगा भी नहीं। इसीलिए नहीं होगा कि हम लोग धरती के आदमी हैं साला, धरती हम लोगों को अच्छी लगती है, इसी के लिए हम लोग महादेव भगवती के पास जाते हैं। उनके लिए तो उनके पास जाते ही नहीं। तो आप जाइए शिव के पास, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। हम वहां जाएंगे तो घंटा जाएगा, किसके पास जाएगा? इसीलिए हरिनाम महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे पास आना आपका बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी बातों पर भरोसा करना तो बिल्कुल जरूरी है। जो मैं बोल गया हूँ, जो मैं बोलता हूँ, जो मैंने खुद लिखा है, उन बातों को अगर छोड़ेंगे आप तो शिव का पता गुम हो जाएगा, शिव का पता आपको नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा, मिलना शरीर का नहीं होता है, मिलना देह का नहीं होता है, मिलना तो मन का होता है। मन मिलता है किसी से, शरीर नहीं मिलता। पति पत्नी एक साथ एक बिस्तर पर रहते हैं और तलाक के मुकदमे होते हैं। दो भाई एक रूम में रहते हैं और जमीन के झगड़े होते हैं। शरीर तो एक साथ रहता है, कहाँ मिला भाई? मन मिलता है। अपने मन को मेरे मन की ख्वाहिशों से जोड़ लीजिए,
लेकिन जोड़ के वहां खड़े मत रहिए, शिव की ओर चलिए, आगे बढ़िए। मैं जो कह रहा हूँ चलिए, मुझको पकड़ के बैठिएगा तो ठहर जाइएगा, मुझको छोड़ के चलिएगा तो गुमराह हो जाए। तो मुझसे मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भरोसा करना और भरोसा करके उस पर चलना जरूरी है। मिलना जरूरी है मात्र महादेव से, मिलना जरूरी है उस शिव से, लेकिन वहां भी ये शरीर नहीं मिलेगा, वहां भी इन आंखों से उस शिव के दर्शन नहीं होंगे। आपका मन ही दर्शन पाएगा, आपका मन ही उनको उनसे मिल सकता है, शरीर नहीं मिलता है। शरीर का क्या भरोसा, आज है कल नहीं होगा। तो जो गुरु भाई कहते हैं कि हैना आंजी से मिलना जरूरी है, एकदम गलत बात है। मुझसे मिलना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी बातों पर भरोसा करके चलना जरूरी है, अन्यथा शिव शिष्यता में आपको चलने में दिक्कत होगी। चर्चा ही पूजा है, और आप कहते हैं कि 2012 तक ही चर्चा होगी, तो बाद में क्या करेंगे? आज मुनि सिंह जामदो रूढ़ी का हम कब बोले हैं कि 2012 तक चर्चा होगी? शिष्यानुभूति मैंने लिखी है, उसमें पढ़ा है चर्चा पर, दूसरे सूत्र को पूरा पढ़े हैं, उसमें लिखा है कि ये अविरल आत्मानुभूति है, हमेशा चलेगी, ये अविरल जो रुकती नहीं है, जो विरल नहीं होती है, अंतहीन है, इसका अंत है ही नहीं। लोग रोज धरती से जाएंगे, रोज नए लोग पैदा होंगे, चर्चाएं चलती रहेंगी। ये हमने कब कह दिया कि 2012 तक? मैंने तो कहा है कि अंतहीन है, इसका अंत नहीं है। हमने ये जरूर कहा है, कोई काम करिएगा भाई साहब तो तय नहीं करिएगा कि कितना दिन में कितना कम्मा करिएगा, क्योंकि आप सोते हैं, क्योंकि शिव कार्य के प्रति आप जागरूक कम हैं, तो आपको तो टारगेट देना होगा ना कि शाम के पहले आप फलना जगह तक पहुंचिए। अब जिस चाल से चले आप चले, लेकिन आपको पहुंचना होगा, कोई लक्ष्य तो देना होगा, कुछ निर्धारित तो करना होगा कि यहाँ तक चलना है, कुछ तय तो करना होगा कि 12 महीने में पूरा कोर्स पूरा करके परीक्षा देनी है बच्चे को, कि इसके बारे में एग्जामिनेशन लीजिएगा, पढ़ेगा वो। हमने कहा कि 2012 यानी अब 1.5 साल बचा, 2012 तक कम से कम जागिए, और इतना जागिए कि देश के कोने कोने में लोग जान जाएं कि शिव लोगों के गुरु होते हैं, तब चलेंगे विदेश, तब चलेंगे लोगों के बीच में शिव शिष्यता को जगाने। अभी शिव का शिष्य तो बनाइए। हमने कहा ही नहीं कि 2012 तक चर्चा चलेगी, हमने तो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भैया उड़ीसा से निकल के आंध्रा में कहीं नहीं घुस रहे हो, सुंदरगढ़ से निकल के कटक और पूरी कहीं नहीं जा रहे हो, तो ससुराल घूम घूम के सुंदरगढ़, घूम घूम के सुंदरगढ़, ऐसे कैसे चलेगा? तो आदमी को बोलना पड़ेगा ना कि भैया निकलो, पढ़ो आगे, जो लोग घर में रहते हैं उनको करने दो, तुम निकल सकते हो तो निकलो, शिव कार्य को फैलाओ, पहले फैला लीजिए, अब हम लोग हेल्थ बनाने पर ध्यान देंगे। अरे लड़कवा को पहले लंबा होने न दीजिए, नहीं तो नट्टे रह जाएगा चलाऊ, लंबा होने दीजिए तो थोड़ा दुबलाएगा, उसके बाद टॉमी का खाना ही सब बढ़िया से दिया जाएगा, मोटा जाएगा। तो शिव कांत को फैलाइए, टॉनिक हम लोग दे देंगे, शिव शिष्यता बढ़िया से मोटा जाएगी, यानी बढ़िया से स्वस्थ हो जाएगी। हमने ऐसा कहा ही नहीं, तो हम पागल हैं क्या? हमारा माता खराब है? आपके लिए लक्ष्य दिया गया, शिव शिष्यों को ये निर्धारित किया गया कि दो आप ही के लिए नहीं, सभी को, कि 2012 तक पूरा करिए, सूचिए मत,
ताकि एक दिन तो ऐसा सोना ऐसा सोना ऐसा सोना है कि जगाने वाला भी जगा नहीं सकेगा। काम करिए महादेव का, अपना भी उसी तरह से करिए और महादेव का भी काम उसी सिंसियरिटी से करिए, उसी लगन से करिए। इसीलिए कहा गया और क्या कहा गया, सुतिए मत, जागिए, जाग के महादेव का काम करिए। और गुरु का काम चेला नहीं करेगा तो क्या करेगा, साला बाप का काम बेटा नहीं करेगा तो दूसर क्या करेगा। और आपकी हमारी आदत है, हे महादेव अपने दया करब तब ना अपने के चर्चा होता, ये कोरियापनी है, बदमाशी है ये। आप किस काम के लिए महादेव से दया मांगते हैं, और सब काम गिनाए हम, ठगने के लिए महादेव से दया मांगते हैं एक देवाशीष जी को छोड़ के। इसीलिए कि उनको हगे नहीं होता है तो जाके लेटरिन में महादेव से कहते हैं कि सरकार दया करिए, कम से कम कुछ तो निकले नीचे से। आप नहीं मांगते, हम नहीं मांगते, लेकिन महादेव का काम आएंगे तो दया चाहिए। काहे बाप अगर खेत पर नहीं जाएगा तो खेत हम लोग छोड़ देंगे, परती की खेती करेंगे। महादेव दया नहीं करेंगे तो महादेव का काम बंद हो जाएगा। चला हम लोग इतना काम करते हैं, महादेव का काम नहीं कर सकते हैं, खत्म है काम। हम लोग मामूली काम करते हैं, मामूली चीजें आदमी ने धरती पर बनाई है, क्या नहीं आदमी ने बना लिया। महादेव के काम के लिए उनकी दया चाहिए, नहीं जहाज बनाने के लिए, ये बनाने के लिए, वो बनाने के लिए बना लेंगे हम, करेंगे हम, खोज करेंगे हम, कोशिश करेंगे हम। अब महादेव के काम के लिए महादेव की दया चाहिए, क्यों काहे करेगा वो दया। आप शिष्य नहीं है क्या, शिष्य की जवाबदेही है कि वो गुरु का काज करे और अपनी ताकत से करे। अभी चर्चा में सुन रहा था, बाहर बैठा हुआ था, कि शिव की शक्तियां महादेव का काम करती हैं। बिल्कुल सही कहा गया, हम आज क्या है इसको बताइए ना, शिव की शक्तियां ही महादेव का काम करती हैं। बिल्कुल सही है, हम आप क्या है, उनकी शक्ति नहीं है तो मुर्दा है, उन्हीं की न शक्ति है भाई साहब। हम वह शक्ति निकल जाती है तो लोग कहता है मर गया। हम सभी उनकी शक्ति है, काम हमको ही करना है, हमने शिव को गुरु माना है तो दूसरा कोई क्यों करेगा, हम लोग करेंगे। धीरे 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 लोग बढ़ते चले जाएंगे, थोड़ा काम आसान हो जाएगा, और नहीं मिलेंगे तब भी करेंगे, साले को जो होगा देखा जाएगा, करेंगे। चलिए तीसरा, एक भाई की जिज्ञासा है कि शिव शिष्यता का अंतिम लक्ष्य क्या है। आपने सवाल सुना, शिव शिष्यता का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो शब्द बोल रहा है कि अंतिम लक्ष्य क्या है, शिव शिष्यता के अंतिम लक्ष्य शिव है, महादेव है। जिस दिन शिष्य शिव से जुड़ गया उस दिन शिव शिष्यता का लक्ष्य पूरा हो गया, और शिव से जुड़ने का मानी शिव हो गया। और एक एक आदमी अगर शिव हो जाए ना, ये संसार कितना खूबसूरत हो जाएगा। सोचते हैं शिव के बारे में, आपने जो कहानियां पढ़ी हैं कितनी सुंदर हैं। आदमी भी शिव हो जाए, शिव जैसा हो जाए, तो कितना सुंदर हो जाएगा समाज, ये संसार कितना खूबसूरत हो जाएगा। तो शिव शिष्यता के लक्ष्य शिव है, चेला का लक्ष्य उसका गुरु होता है। आप बोल रहे हैं शिव शिष्य, इसका मन है आपके लक्ष्य गुरु है, गुरु तक पहुंचिए, गुरु जो कहते हैं करिए बस। चलिए एक सवाल है, तीसरा सूत्र नमन करना जप है या प्रणाम, यह स्पष्ट करें कि जप और प्रणाम में क्या अंतर है। जप और प्रणाम में क्या अंतर है, बाबू जी को गोल लगते हैं जप है कि प्रणाम है भाई जी। बाबू जी के पास चाहे माई के पास जाते हैं या ससुर से मिलने गए हैं तो क्या बोलते हैं, एक घंटा तक ससुर को पकड़ के बोलते रहते हैं, ससुर जी गोर लगतनी, 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 तब तक सास आ गई, सास जी गोर लगतनी, सास जी गोर लगतनी, सास जी गोर मारे दूध चढ़ी बच चला पकड़ा गया क्या, चल कहके मैं रांची में तो हॉस्पिटल नहीं ले पागल खाना।
जप हुआ। प्रणाम प्रणाम है, जप जप है, जप के माध्यम से प्रणाम होता है, ये बिल्कुल सही। आप किसी भी तरह से स्टेशन जा सकते हैं, कहिएगा कि टेम्पो से स्टेशन जाना जरूरी है क्या, कि स्टेशन जाना जरूरी है, कोई कहेगा स्टेशन जाना जरूरी है, टेम्पो से जाइए, रिक्शा से जाइए, साइकिल से जाइए, गाड़ी से जाइए, तो प्रणाम करने की विधा है जब। लेकिन जब हमने काहे नहीं लिखा उसमें, संकल है हम उसमें नहीं लिखा है कि जब करिए, तीन सूत्र में नहीं है, काहे नहीं लिखा, सारा होपे नहीं करेगा तो हम काहे लिखें, हो ही नहीं सकता हमसे आपसे, तो मैं लिखूं क्यों, क्यों नहीं हो सकता है? अरे जप करने के लिए कोई गुरु होगा जो मंत्र बताएगा। हमको आपको गुरु ही नहीं है तो मंत्र के बतावेगा, आज जो गुरु मिलता है धरती पर हम क्या बोलें, उसके मंत्रों का जप किया जाए तो हमारी आपकी क्या स्थिति होती है, नजर घुमा के दुनिया की ओर देख ली, क्योंकि जप का सिद्धांत है कि तुम्हारी ताकत, गुरु की ताकत और मंत्र की ताकत, तीनों ताकत मिलेगी एक साथ तब जाके जप होगा। तो जप करने की ताकत हम लोग को है, कौन सी के लिए, सरकार 8 साल भी आके हो गया है, अभी तक हमको एको बाल बच्चा नहीं है, जप कर रहे उस देवता के लिए तो जप हो नहीं रहा, तो आपकी शक्ति तो काम नहीं कर रही है, बहुत कम कर रही है, हल्का कर रही है। गुरु आपको मिले तब ना, चलिए आपको गुरु मिल गए शिव, उन्होंने बताया नमः शिवाय, यदि बताया नहीं है, यदि नमः शिवाय तो नमः शिवाय का जो भी देवता हो, शिव ही है, जो भी देवता हो, तीनों ताकत मिलेगी तब जाके जब सफलीभूत होगा, सार्थक होगा। तो पहले गुरु से मिल लीजिएगा तब न जब, अभी तो गुरु से मिलने का उपाय हम बता रहे हैं कि नमः शिवाय से प्रणाम करिए, इस प्रणाम को आप जप में ले जा सकते हैं। मन करे तो माला कई तरह की होती है, एक सांस की माला होती है, आपकी सांस चलती है ना, वो भी माला है, आती है जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है, एक आदमी की सांस 24 घंटे में 21,600 बार चलती है औसतन, एक आदमी 24 घंटे में सांस लेता है 21,600 बार औसतन, ये भी एक माला जिसको अजपा जप बोलते हैं, रुद्राक्ष की माला भी एक माला है, तुलसी की माला भी एक माला है, कमलगट्टे की माला भी एक माला है, अंगली की माला भी एक माला है। हमने कहा कि जौन माला पर मन करे जप करिए, अगर करना चाहते हैं ये जप कुछ नहीं, आप पहले प्रणाम करिए, गुरु से संबंध बनाइए तो जप होगा, नहीं बनाइएगा नहीं होगा, पहले गुरु को प्रणाम करना सीखिए, आप चाहिए तो ये प्रणाम जप के माध्यम से कर सकते, आपका मौन। चलिए नेक्स्ट, बहन आत्मनी जी उड़ीसा, इन्होंने लिखा है, साहब से अनुरोध है कि क्रिश्चियन होती छपवा कर पहुंच सकते हैं कि नहीं, अगर बांट सकते हैं तो क्या कुछ उसके ऊपर मूल्य लगाया जाए या नहीं। शिष्यानुभूति हम लोगों ने निर्णय लिया है बहुत शुरू से कि उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जाएगा, और लोगों को उसको छापने का अधिकार नहीं है, आप छपवाना चाहते हैं तो मुख्यालय से पूछना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां हो जाएंगी,
गलतियां हो जाएंगी, तो लिखित में जब गलती हो जाएगी तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है भविष्य में। और कोई बात नहीं, शिष्यानुभूति आपको मुख्यालय से अप्रूव कराना होगा तभी आप छाप सकते हैं, और मूल्य का तो सवाल ही नहीं है, मूल्य तो आप ले ही नहीं सकते। वही एक पुस्तक है जो निःशुल्क बिकेगी, और हमको लगता है जब तक शिव सीता धरती पर चलेगी उसका मूल्य कोई नहीं लेगा। बहन अफड़ा उड़ीसा, गुरु से जुड़ाव कैसे हो? अभी हम बोले हैं कि गुरु से जुड़ाव गुरु आदेशित कर्म करने से होगा। गुरु ने जो कहा सो करिए, नहीं मन करे करने का तो गुरु से दया मांगिए, दया वो नहीं करे तो झगड़ा करिए। झगड़ा करते थे कि नहीं करते थे, याद नहीं है? लड़काई में माई बाप से झगड़ा होता था कि नहीं हम लोगों का? 3 दिन से कह रहे हैं कि हमारा जूता फट गया है, जूता फट गया है, जूता फट गया है। ना मम्मी ध्यान दे रही है, ना पापा ध्यान दे रहे हैं। वो लड़का जानता है कि देगा तो मम्मी है, पापा ने देगा था, रोड का आदमी नहीं देगा। 4th दिन आए स्कूल से, मम्मी बोली कि नाश्ता कर लो बउआ, तुरंत कहा कि नाश्ता फास्ता आज कुछ नहीं होगा। मम्मी पूछी कि काहे, कहा कि काहे का कोई जवाब नहीं है, बस्ता भी उठा के हम फेंके, कल से स्कूल भी नहीं जाएंगे। मम्मी पूछ रही काहे ले इतना खिसिया हो, मास्टर बम मारा है क्या? काहे मास्टर मारेगा, 3 दिन से कह रहे हैं कि मेरा जूता फट गया, जूता फट गया, कोई चिंता नहीं है, हमको चलने में दिक्कत होता है। लड़का सब कहता है कि अरे फटा हुआ जूता पहन के स्कूल आता है। मम्मी ने कहा नाश्ता थोड़ा सा कर लो। कहा कर नहीं सकते हैं आज हम नाश्ता, आज तो हम नाश्ता कर भी नहीं करेंगे। अंत में मम्मी पापा को लाते हैं, अच्छा चलो खरीद देंगे। और जूता खरीदवाते थे कि नहीं खरीदवाते थे? तो महादेव से झगड़ा नहीं कर सकते हैं? बच्चा थे तो जूता के लिए इतना तूफान मच रहा था, गुरु के काम के लिए तूफान नहीं मचा सकते हैं? महादेव से मचाइए तूफान। हमें जैसा हम पहले बहुत ही सब काम करते थे, देखते थे कि 9-9 महीना तक, 8-8 महीना तक एक महादेव का चेला नहीं बना। आप लोग तो बोलते हैं यार, सुनते हैं कि 6,000-7,000 शीर्षी से बनता। हम जब शुरू शुरू में शीर्षी से बनाने की कोशिश करते थे तो 8-8 महीना तक एक साला नहीं बनता था। और भी समाज में हम मजिस्ट्रेट थे भाई साहब, अब महादेव का ताकत अलगे था हमको, तबो नहीं बनता था। कितना चमत्कार करते थे तबो नहीं बनता था। तो महादेव से कहते थे कि आज में हम लोगों का खाना बंद रहेगा। नीलम को हम लोग कहते थे कि आज खाना बंद रहेगा, अन्नू मोनू लवली का खाना बनेगा और किसी का खाना नहीं बनेगा। एक दिन नहीं खाए, दूसरे दिन नहीं खाए, सतुआ पी के रहते थे हम, 5-6 दिन सतुआ पी के रह जाते हैं। दूसरे दिन नहीं खाए, आपको नहीं पता है अगर शिव के लिए आप रो सकते हैं भाई साहब तो आपके लिए वो कलेजा फाड़ के दे सकता है। हम आप रोते नहीं है, हम लोग अपने लिए शिव के पास रोते हैं। और महादेव ने मुझसे खुद कहा है जिद नहीं करो खाना खाओ, और खाना हम लोग खाते थे। आपको नहीं कहते हैं कि खाना छोड़िए, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि हम एक भी महादेव का चेला हमसे नहीं बन रहा है, आपको 5 दिन तक हम प्रणाम नहीं करेंगे, प्रणाम करवे नहीं करेंगे आपको। हद करते हैं आप, अपने काम के लिए भी ध्यान नहीं कर सकते हैं तो हमारे काम के लिए कपार करिएगा आप। जो आदमी अपने काम के लिए ध्यान नहीं कर सकता वो हमारे काम के लिए कपार करेगा? जब गुरु का आदेश है तो अपने काम के लिए भी तो ध्यान करें, उनसे लड़ ही नहीं सकते। क्यों? इसीलिए कि शिव कार्य करने का मनवा करेगा तब न लड़िए, जुतवा का फिकिर होगा तब न मम्मी पापा से लड़िए, बस्ता फटेगा चिंता में आइएगा तब न मम्मी पापा से लड़िए। आपको हमको चिंता ही नहीं है कि गुरु कार्य करना है?
चिंता करिए, उस महादेव से लड़िए, लड़ने में बड़ा मजा है। और लड़ के देखिए, लगेगा कि उससे प्यारा तो संसार में कोई नहीं है। हमने एक पंक्ति कही है, शिव जैसा कोई नहीं है, ना वैसा देवता है, ना वैसा गुरु है, ना वैसा गृहस्थ है, सब कुछ में उसके जैसा कोई नहीं है। अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं, हम लोग शिव के लिए नहीं रोते होते हैं। हम लोग पैसा के लिए, बेटा के लिए, धन के लिए, पति के लिए, मेहरारू के लिए, घर के लिए, इसके लिए रोते हैं। अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं तो वो शिव आपके लिए कलेजा फाड़ के आपके सामने आ सकता है। रोना हम लोग जानते ही नहीं है, शिव के लिए क्यों रोएंगे हम? हमको पैसा बढ़िया लगता है, बेटा बेटी बढ़िया लगता है, घर बढ़िया लगता है, गाड़ी छकड़ा बढ़िया लगता है, महादेव घंटा बढ़िया लगेगा, तो क्यों रोएंगे हम? लेकिन जान लीजिए, मैं हरिनारायण आपको एक बात कह देता हूं कि अगर आप शिव के लिए अपने लिए नहीं, अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं तो वह शिव आपके लिए संसार में आग लगा सकता है। लेकिन रो के तो रोने की स्थिति में तो जाइए भाई साहब, नहीं होगी ये स्थिति, उसको गुरु बनाना होगा, वो जो कहते हैं करना होगा। और बड़े गुरु भाइयों का, बड़े गुरु भाई मैंने मुख्यालय से मदद मांगनी होगी, उनसे आशीर्वाद मांगना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि रास्ता तो वही मालूम है, किसी और को मालूम नहीं। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, मेरी तबीयत है खराब, देखते हैं मसने तो बैठे, हम कहीं मसने तो बैठे। आप लोग धीरे धीरे, पहले बाहर के लोग जाएंगे, धीरे धीरे आप लोग जाएंगे।